सोमवार को देश भर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हुई। परीक्षा में इस वर्ष बड़ी संख्या में परीक्षार्थी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दसवीं की बोर्ड बेस्ड परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होकर 20 अप्रैल तक चलेंगी। CBSE की परीक्षा के पहले दिन अंग्रेजी के पेपर से शुरुआत हुई। ये परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई। स्कूलों की ओर से छात्रों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका भी इंतजाम सभी स्कूलों में किया गया है। बच्चे को देखना पड़ता है, उसके लिए बोर्ड, प्रॉपर बोर्ड लगाना। बच्चे को पता नहीं है स्कूल में रूम नंबर के बारे में, इसीलिए हमें स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल काफ़ी बड़ा है तो बच्चे ऐसे रूम को ढूंढने के लिए बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो जाए। ये सारा काम करने के लिए हमने अलग अलग अरेंजमेंट किया कि आज के दिन फर्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन, बच्चे फर्स्ट डे कोई परेशानी में ना रहे। 22 फरवरी में आकाशवाणी पर प्रसारित हुए कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए सुझावों का प्रभाव भी छात्रों और अभिभावकों पर खूब देखने को मिला। अच्छी चीज है, एक नई चीज आई है, सबने मतलब एक अच्छा नया स्टेप था कि एटलीस्ट सबसे वो बात करे, एक अच्छा तरीका। जाहिर है अगले एक महीने तक चलने वाली इस परीक्षा में छात्रों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देश भर में CBSE की परीक्षा शुरू हो गई है। यह परीक्षा न सिर्फ उन बच्चों की है बल्कि उनके माँ बाप की भी होगी, जो कि अपने बच्चों को इस परीक्षा की घड़ी में तनाव से दूर रखेंगे ताकि उनके अच्छे अंक आ सके। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजीव टोकस, DD News, दिल्ली।